सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को, जो कि एक मल्टी फैसेटेड चैनल है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स, जैसे कि स्टडी बाइट्स, हॉरर बाइट्स, हेल्थ बाइट्स, टेक बाइट्स, फनी बाइट्स एंड पॉजिटिव बाइट्स, टीवी एंड फिल्मी बाइट्स मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। जैसा कि पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं सिगमंड फ्राइड की थेरीज के बारे में, जो साइकोलॉजी का उद्गम और विकास कैसे हुआ और उनके प्रमुख चरण कौन कौन से थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम मतलब लर्निंग। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है अधिगम। अधिगम जब अनुभवों और परिपक्वता के माध्यम से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, लेकिन जो परिवर्तन आए अनुभवों और परिपक्वता के माध्यम से वो हमेशा ध्यान रखे स्थायी परिवर्तन। तो अनुभव और परिपक्वता के माध्यम से जो मनुष्य के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, उस स्थायी परिवर्तन को ही कहते हैं अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे आपको एक छोटा बच्चा होता है, वो जब पैदा होता है तो वह रोता है, खूब देर तक रोता है, उसे भूख लगती है तो वह रोता है। जैसे ही वो रोता है तो उसे उसकी माँ दूध पिला देती है तो वह उसकी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। इसी चीज को वो बार बार दोहराता है। जब भी अब उसे भूख लगती है वह रोता है और उसकी माँ उसे दूध पिला देती है, तो उसके दिमाग में यह स्थायी परिवर्तन फिक्स हो जाता है कि जब भी मैं रोऊंगा मुझे दूध मिलेगा। तो यह उसके दिमाग में हो जाता है अधिगम। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे यह पता लगने लग जाता है, जब वह बोलने की अवस्था में होता है, बोलना सीख जाता है, मांगकर हर चीज मांग लेता है, तो यह अधिगम उसके दिमाग में हो जाता है। वह सीख जाता है कि मांगने से कोई भी बात मांगने से मिल जाती है, तो वह अपनी पुरानी आदत रोने को छोड़ देता है। तो इस प्रकार छोटा बच्चा अपने अनुभव और परिपक्वता के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। उस व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं और वह जीवन भर चलता है। अधिगम जीवन भर चलता है। अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मनुष्य के सामने कोई ना कोई हर परिस्थिति में एक कोई ना कोई लक्ष्य होता है और वह हर चीज में, चाहे उसे बच्चे को भूख लगे, अपना एग्जाम देना हो, कुछ भी हो, वह उस एम को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, अलग 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 क्रियाएं करता है। कभी उसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है और कभी ना कभी अपने एम को प्राप्त कर लेता है या फिर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसमें अधिगम में उसे हर तरीके के अनुभव होते हैं, नवीन अनुभव, जो अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं, लेकिन उससे उस मनुष्य के या प्राणी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जरूर आता है। अधिगम में कभी भी थोड़े से समय के लिए, जैसे ड्रिंक करना और या फिर कुछ बच्चे होते हैं रट लेते हैं, तो रटना इज नॉट अधिगम। रटना भी लर्निंग की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि रटने से कभी भी एक मनुष्य के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। कुछ समय के लिए एग्जाम के टाइम में जाकर बच्चे रट लेते हैं, उस समय के लिए रट लिया और हो गया। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ की। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। नवीन ज्ञान, नया ज्ञान और नवीन अभिवृत्तियों, इनकी प्राप्ति ही अधिगम है। इसी प्रकार स्किनर ने परिभाषा दी। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में
उत्तरोत्तर सामंजस्य किसी चीज के साथ एडजस्ट करते जाओ और सीखते जाओ, उसकी प्रक्रिया ही अधिगम है। इसी प्रकार जेबी गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अन्य मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा हमारे अनुभव और प्रशिक्षण जो हमें मिलता है या सीखते रहते हैं उनके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है उसे ही अधिगम कहा जाता है। इसी प्रकार गेट्स एक अन्य मनोवैज्ञानिक गेट्स के अनुसार नवीन ज्ञान अभिवृत्ति आदतों और क्रियाओं को सीखना ही हमारे जीवन में अधिगम है। तो वुडवर्थ स्किनर जेबी गिलफर्ड क्रो एंड गेट्स इन्होंने अपनी अपनी महत्वपूर्ण अधिगम की परिभाषाएं दी है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, हर चीज को सीखना, किसी के भी द्वारा नई नई क्रियाएं सीखना, नवीन अनुभव, नवीन अभिवृत्तियां, इन सबको सीखना ही अधिगम है। ये थी अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में भी अपनी अपनी राय दी और वो साइकोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट भी है। किसी ने साहचर्यात्मक के सिद्धांत दिए, किसी ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए। तो सबसे पहले अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अधिगम के सिद्धांत की श्रेणियों में आते हैं साहचर्यात्मक सिद्धांत। वो किस किस मनोवैज्ञानिकों ने दिए? वो दिए थॉर्नडाइक, जैसे थॉर्नडाइक सिद्धांत, पावलव का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, गुथरी का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत। ये इन सब ने दिए साहचर्यात्मक सिद्धांत। इनके सिद्धांतों को जाना जाता है साहचर्यात्मक। दूसरी तरफ संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक, संज्ञान, कॉग्निटिव, जिसमें प्रमुख थे गेस्टाल्टवाद, विकासवाद और सामाजिक अधिगम। गेस्टाल्टवाद ये सिद्धांत दिया जिसमें आता है कोहलर का सिद्धांत और टॉलमैन का सिद्धांत। इसी प्रकार संज्ञानात्मक में विकासवाद आए तो विकासवाद में सिद्धांत प्रमुख था जीन प्याजे का और ब्रूनर का सिद्धांत। इसके अलावा सामाजिक अधिगम में आए बंडूरा, तो सामाजिक अधिगम में बंडूरा का सिद्धांत। तो ध्यान रखना है साहचर्यात्मक थॉर्नडाइक, पावलोव, हल, गुथरी और स्किनर, जो संज्ञानात्मक संज्ञान से रिलेटेड उनमें तीन प्रमुख गेस्टाल्टवाद, विकासवाद, सामाजिक अधिगम। और इनके भी प्रमुख प्रमुख अपने थे गेस्टाल्टवाद के कोहलर और टॉलमैन के सिद्धांत, विकासवाद के जीन पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत और सामाजिक अधिगम में बंडूरा का सिद्धांत। तो ये प्रमुख प्रमुख सिद्धांत थे। अब हम डिटेल में ये जो प्रमुख प्रमुख सिद्धांत हैं इन्होंने क्या क्या इनके गुण बताए, अवगुण बताए, नियम इनके प्रमुख क्या क्या थे, थॉर्नडाइक के अलग थे, स्किनर के अलग थे, पावलोव के अलग थे, हल के अलग थे, अपनी अपनी इन्होंने जो भी थेरीज दी उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे थॉर्नडाइक। आज के इस वीडियो में हमने बात की अधिगम की परिभाषाओं की, प्रमुख परिभाषाएं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो किस किस मनोवैज्ञानिक के किस किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन, वो भी डिटेल में। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।